बारिश शुरू हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है और आज का मौसम बहुत ही ठंडा, कल परसों के मुकाबले आज ज़्यादा ठंड है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो ये है अभी। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो इंटरनेट, दिस इज सुनील वर्थवाल और आप देख रहे हैं सेमन्या पहाड़, सेमन्या इन सरसों के खेतों से और उत्तराखंड की सुंदर डांडी कांठियों से। ये देखिए अभी भी भरा पाट दी, ये ऐसा लगता दिन भर की बारिश और बर्फबारी के बाद शाम को अब हम जा रहे हैं अपने मार्केट टूनखाल। तो आज पूरे दिन भर सुबह से ही मौसम ख़राब था और दिन के 12 एक बजे के लगभग मौसम ख़राब हुआ एकदम से, और बहुत तेज बारिश और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओले और बर्फ़ गिरी जिसके कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने मार्केट टूनखाल। और ऐसा है अभी सामने का दृश्य, जैसा कि आपने वीडियो में पहले ही देखा है कि कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। और मुझे याद है कि लगभग 8-10 साल पहले ही ऐसे बर्फबारी हुई थी और 8-10 सालों के बाद फिर से ये बर्फबारी देखने को मिली है। तो बहुत ज़्यादा, एक टाइम पे तो मौसम ठीक हो गया था क्योंकि धूप खिलने लगी थी और हल्की सी गर्मी मौसम में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन कल जिस प्रकार से मौसम बदला है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड हो गई है। क्योंकि तो हमेशा के तरह मेरे साथ हैं संदीप, अब संदीप से जानेंगे कि कैसा रहा आज का मौसम। आज दिन भर से धूप बिल्कुल नहीं है और अब अभी काफी ठंड है आज भी। तो जिस कल तो बहुत बारिश हुई थी, नहीं तो ओले, तो जिस प्रकार से ये बर्फबारी हुई, ओले गिरे, तो हमें याद है कि 8-10 साल पहले ही ऐसी बर्फबारी हुई थी। हाँ, और पहली बार हुए, नहीं तो जनवरी में 15 तारीख के बाद अमूमन तब होती थी ऐसी बारिश। तो दो कल तो टूनखाल हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बोर्ड हुआ करता था लेकिन फिलहाल इस बोर्ड को किसी ने क्षति पहुंचा दी है। ये है मेन स्टेट हाईवे लक्ष्मण झूला से कांडी, और ये आप बोर्ड देख सकते हैं कांडी यमकेश्वर, कांडी हुई ये रोड, तो आप सीधे देख पा रहे हैं, और ये हमारे ब्लॉक यमकेश्वर के लिए रोड यहाँ से कट जाती है, यहाँ से इसका
अलग अलग रूट बदल जाते हैं। ऊपर वाली रोड जा रही है कांडी दुगड्डा और ये नीचे वाली रोड जा रही है ब्लॉक यमकेश्वर। यह है छोटा सा हमारा अपना तुनखाल मार्केट। और ये सामने ऊपर हमारा हाई स्कूल तक का स्कूल, यहाँ मेरी भी यहीं शिक्षा हुई है, यहीं से मैंने अपनी एजुकेशन ली है। 6 से 8वीं और उसके बाद 9वीं 10वीं मैंने यहीं किया है, जूनियर हाई स्कूल तिल्दार खाल। और ये अपना छोटा सा मार्केट तुनखाल। तो शाम होने को है, अंधेरा होने को है और अब हम घर जा रहे हैं वापस मार्केट से घर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए सेमनिया पहाड़ के साथ।